गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइस आप सभी लोग मौज मस्ती में होंगे। तो भाई आज के इस गेम प्ले वीडियो के अंदर आप लोग किल करने वाले हैं पूरे 31। मतलब भाई ये गेम प्ले बिल्कुल ही मारदार चड्डी फाड़ गेम प्ले होने वाला है। अच्छा। और उसके साथ ही इस गेम प्ले वीडियो के अंदर आप लोग सबसे ज्यादा किल करने वाले हैं मिल्टा के अंदर, क्योंकि भाई मिल्टा के अंदर इतने ज्यादा बंदे उतरे थे कि पूछूंगो तो भाई मिल्टा के अंदर ही मैंने सबसे ज्यादा बंदों को मारा है। और उसके साथ ही फिलहाल आप लोग उतर चुके हैं पिराची के अंदर और उतरते अपने को टोमी गन और इसका रेल मिल चुकी है। अभी आप लोग चलते हैं और दूसरे घरों के अंदर भी गनों वनों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई बंदे तो यहाँ पे पिराची के अंदर उतरे ही नहीं है। तो आप लोग बढ़िया अच्छे से लूटपाट मचा के और उसके बाद चलते हैं बंदों को मारने के लिए। और फिलहाल अपने को लेवल 3 का टोपा और लेवल 3 का जोड़ा मिल चुका है और यहाँ पे अपने को एक और इसका रेल मिल चुकी है जिसको मैंने उठा लिया है, टोमी गन को पटक दिया है। और अभी अपने को किसी भी गन की जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो मोस्टर ट्रक है ना, तो इसको उठाते हैं और चलते हैं सीधा हग आयु के अंदर, क्योंकि हग आयु के अंदर आप लोग देख सकते हो बंदों का बिल्कुल ही मेला लगा हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं और इस मेले को बिछड़ा के आते हैं। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोस्टर ट्रक से नीचे की तरफ क्यों उतरा, क्योंकि भाई मैं मोस्टर ट्रक को लेकर जा रहा था ना, तब मेरे को इस घर के अंदर एकेएम गन दिख गई। और आप लोगों को पता ही भाई एकेएम गन मेरे को कितने ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं एकेएम गन को उठाने के लिए नीचे की तरफ उतरा था। और अभी आप लोग जल्दी से अपने मोस्टर ट्रक को लेकर चलते हैं सीधा हग आयु के अंदर और हग आयु के बंदों को 2-3 सालों को पटक पटक के। और हग आयु के अंदर और बकरोल के अंदर ही बंदे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल तो मेरे को। तो सबसे पहले आप लोग हग आयु के बंदों को पेलते हैं और उसके बाद चलेंगे और भी बंदों को पेलने के लिए। बकरोल के अंदर तो नहीं चलेंगे क्योंकि आप लोगों को पता ही भाई वहाँ पे ग्लिच रहता है, इस वजह से उनके बंदों को तो मारने नहीं जाता बकरोल के बंदों को। और फिलहाल मेरे को एक बंदा दिख चुका है, ये राजा जी बिल्कुल ही ऐसे घूम रहे थे जैसे तो नानी पार्क में घूमने के लिए आए हो, और तभी मैंने इस बंदे को पेल दिया। अभी आप लोग क्या करते हैं और भी बंदों को पेलने के लिए चलते हैं। ये जो लूट टाउन है ना, लूट टाउन, तो उधर की तरफ चलते हैं क्योंकि लूट टाउन के अंदर से एक बंदे का मेरे को फायरिंग का साउंड आ रहा है। तो जल्दी से चलते हैं और इसको मार के आते हैं। अभी तो मेरे को सामने की तरफ ही दिख रहा है बंदा, तो सबसे पहले इसको टपकाते हैं। ये रहा भाई, पहले तो मेरे सोच रहा था मैंने कहा इसको आप लोग गाड़ी रोक के मारेंगे, लेकिन भाई इस बंदे ने बहुत ही तगड़ा वाला स्प्रे मारा ना गरोजा गन से, तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा आप लोग बंदे को गाड़ी से कुचल देते हैं, गाड़ी से रोन देते हैं। और अभी इस बंदे को मारने के बाद ये जो लूट टाउन है ना, तो लूट टाउन का जो कॉर्नर है ना, उधर जो मशरूम टावर है, तो उधर की तरफ से मेरे को एक और बंदे का फायरिंग का साउंड आ गया। तो मैंने कहा चलते हैं और इसका भी वध करते हैं, अपनी गाड़ी है तो इसको यहाँ पे पार्क करते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मशरूम टावर का ग्लीच है, तो बंदा अपने ऊपर गोलियां मारेगा ना तो अपने ऊपर गोलियां भी नहीं लगेगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कवर ले लिया। अब जैसे बंदा अपने पास में आएगा तभी आप लोग बंदे का वध कर देंगे। आजा बेटे आजा। ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने बंदे की तोंद में गोलियां मार के बंदे की तोंद को ही फोड़ दिया और बंदे का वध कर दिया। अभी आप लोगों ने बंदे की पेटी को भी लूट लिया है। और अभी आप लोग जल्दी से यहाँ पे थोड़ा हील वील कर लेते हैं, अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही बूस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अपनी बसंती को उठाते हैं और चलते हैं सीधा वो जो कद्दू है ना, कद्दू, तो कद्दू की तरफ। और फाइनली आप लोग पहुँच चुके हैं कद्दू के अंदर, कद्दू से बाहर की तरफ एक बंदा है, तो आप लोग जल्दी से चलते हैं और इसको भी टपका के आते हैं। ये जो बंदा है ना, तो ये कद्दू के अंदर था पहले तो, और कद्दू के अंदर से ये जो झोंपड़ी बनी हुई ना, तो उधर की तरफ भग रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग इसकी छत के ऊपर अपनी बसंती को चढ़ाकर इसका भी वध करते हैं। ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने बंदे को टपका दिया है और इस बंदे को मारने के बाद मेरे को पिराची के अंदर से भाई बंदों का फायरिंग का साउंड आ गया। तो मैंने सोचा मैंने कहा कद्दू के बंदों को आप लोग बाद में मारेंगे, सबसे पहले तो पिराची के बंदों को पेल कहते हैं और उसके बाद कद्दू के बंदों को मारने का एक काम रहेगा। और फिलहाल मेरे को एक बंदा दिख चुका है जो कि बिल्कुल ही बहुत अच्छी स्पीड से भग रहा है, तो आप लोग सबसे पहले इसको टपकाते हैं साले को। देखो तो सही भाई बंदा, मतलब आप लोग तो पीछे से इसके ऊपर गोलियां मार रहे हैं और ये राजा जी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। ये नहीं है कि पीछे भी देख लें, पीछे भी पीछे से अपने पिछवाड़े पे गोलियां लग रही है, लेकिन नहीं भाई इनका तो ध्यान ही जाने की जरूरत है। और भाई ये बंदा बिल्कुल ही मेरे को मार ही देता, आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने अपनी हेल्थ की बिल्कुल ही बैंड बजा दी है। और भाई मैं इस बंदे के ऊपर गोलियां मार रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं इनका बंदा मर गया होगा, तो इस वजह से मैंने गोलियां चलाना बंद कर दिया, लेकिन भाई ये बंदा मरा नहीं था, ये अपने ऊपर डैमेज मारा जा रहा था। और तब मेरे को थोड़ी देर बाद पता लगा कि ये बंदा मरा नहीं है और मैंने दोबारा से इसके ऊपर गोलियां मार के इस बंदे को मारा, इस वजह से इसने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया था। और अभी आप लोग जल्दी से अपनी बसंती को लेकर चलते हैं सीधा कद्दू के अंदर, क्योंकि ये जो हग आयु के अंदर बंदे ना, तो इनको आप लोग नहीं मारेंगे। हग आयु के अंदर तो भाई एक दो बंदे रहते हैं, सबसे ज़्यादा बंदे मिलते हैं भाई अपने को कद्दू के अंदर, तो इस वजह से आप लोग कद्दू के बंदों को मारते हैं, उन्हीं को ठोकते हैं सालों को। एक बंदा तो सामने की तरफ है, सामने की तरफ से मेरे को एक बंदे का फुटप्रिंट आ चुका है। और ये जो रेड कलर का घर है ना, तो इसके अंदर ही निकलेगा पक्का बंदा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को आसपास से फुटप्रिंट आता है ना बंदे का, तो घर के अंदर ही निकलता है। अच्छा भाई साहब, ये अपना जो गेस था ना, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो बंदा था ना, तो ये बंदा इसके पास वाला जो घर है ना, ये येलो कलर का ईंटों वाला, लाल ईंटों वाला, तो इसके अंदर से निकल के आया था। और फाइनली आप लोगों ने बंदे को टपका दिया है। अभी आप लोग जल्दी से अपनी बसंती को लेकर चलते हैं और ये जो मिल्टा है ना, मिल्टा, तो मिल्टा के बंदों को भी ठोक के आते हैं सालों को।
अभी तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो अपनी बसंती है ना, तो बसंती को छोड़ते हैं और बग्गी को लेकर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाई बग्गी की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, तो इस वजह से मेरे को बग्गी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी आप लोग चलते हैं और मिल्टा के एक एक बंदों को मारते हैं। वो भाई ऊपर की तरफ से एरोप्लेन भी जा रहा है, अभी तो मेरे को बंदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जितने भी बंदे मिलेंगे ना अपने को वो घरों के आसपास ही मिलेंगे। एक बंदा तो घर से बाहर की तरफ निकल के जा रहा था, ये शायद मशरूम टावर की तरफ जा रहा था, तभी आप लोगों ने इसके प्राणों को हर लिया। अभी ये जो घर है ना, तो घरों की तरफ और भी बंदे, तो आप लोग यहाँ पे अपनी बग्गी को पार्क करते हैं और उसके बाद एक एक बंदों को मारते हैं। एक बंदा तो ये आ रहा सामने की तरफ से, अच्छा टिकटॉक करता भाई, इसने ब्राउन कलर के करवा रखे हैं अपने बाल। ये कौन से गाने में नाच गया था, ये भी भाई उसी गाने में नाच गया होगा, तेरी प्यारी प्यारी दुआ किया, क्योंकि भाई टिकटॉकरों के नाम से तो भाई यही गाना फेमस है सबसे ज़्यादा, तेरी प्यारी प्यारी दुआ किया। अभी एक और बंदा आ चुका है, ये जो दो घर बने हुए ना मिल्टा से बाहर की तरफ, तो इनके अंदर से निकल के आया था ये बंदा, और अभी आप लोगों ने इस बंदे का वध कर दिया है। और वापस मेरे को घरों की तरफ से एक और बंदे का फुटप्रिंट आ गया, तो मैंने कहा चलते हैं और इसको भी मारते हैं, क्योंकि अपने को तो बस स्किल से मतलब है और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। और बंदा इन घरों के आसपास ही है, लेकिन फिलहाल मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये बकरा साला इधर की तरफ, आजा बेटे आजा आजा आजा। भाई बंदे ने लेवल 3 का टोपा पहन रखा है और आप लोगों ने तरबूज का छिलका पहन रखा है। अब इस बंदे को मारने के बाद इधर की तरफ से मेरे को एक और बंदे का फुट प्रिंट आ गया, तो इस वजह से भाई मैंने यहाँ पे कवर ले लिया। और उसके बाद जैसे ये बंदा घर के अंदर से निकल के आया, अभी मैंने इस बंदे के प्राणों को भी हर लिया, और अभी आप लोगों ने बंदे की पेटी को भी लूट लिया है। और अभी आप लोग चलते हैं ये जो रोड है ना, रोड तो रोड की दूसरी तरफ, क्योंकि रोड की दूसरी तरफ से मेरे को एक और बंदे का फुट प्रिंट आ रहा है, तो चलते हैं और इसको भी मारते हैं। बंदा मेरे को दिख चुका है और मैंने यहाँ पे थोड़ी कवर ले लिया है, अभी आप लोग कवर में रहकर इस बंदे को मारेंगे। भाई मैंने यहाँ पे मतलब आप लोग इसको टीपी भी बोल सकते हो, टीपी भी लेकर इस बंदे को मारा था। अभी सामने की तरफ एक और बंदा है, इस बंदे को भी आप लोग इस स्ट्रेटजी से मारेंगे, टीपी भी लेकर ही मारेंगे। ये बंदा भाई मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था ना, तो मैंने क्या किया, ये जो दीवार है ना दीवार, तो दीवार के पीछे चिपता चिपता आ गया। और जैसे बंदे के सामने आए ना, तभी एक ही बार में मैंने गन AKM गन इस तरह मार के एक ही बार में बंदे को ढेर कर दिया। अभी आप लोग क्या करते हैं, अपनी बग्गी को उठाते हैं और चलते हैं सीधा कद्दू के अंदर, क्योंकि मिल्टा के अंदर तो अभी तक तो यही बंदे हैं जिनको आप लोगों ने टपका दिया है। अभी तो भाई मिल्टा के अंदर और भी ज़्यादा बंदे आएंगे, लेकिन फिलहाल मिल्टा के अंदर सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, तो आप लोग आ चुके हैं कद्दू के बंदों को पेलने के लिए। अभी आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सामने की तरफ ये बंदा, तो उधर की तरफ ही लेकर चलते हैं बग्गी को। ये रहा बंदा, ये रहा, अभी यहाँ पे बग्गी को रोक के इसको ठोकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कवर में आ गया मैं, अभी यहाँ से आप लोग इस बंदे को बड़ी आसानी से टपका देंगे। देखना अभी आएगा बंदा, आएगा, आजा बेटे आजा। ओ भाई बंदा आया ही नहीं यहाँ पे केबिन के अंदर फंस गया। और भाई मैं यहाँ पे बैठ कर जा रहा था, ताकि मैंने सोचा मैं इनका बंदा बाहर की तरफ होगा, केबिन से बाहर की तरफ, मेरे को क्या पता कि बंदा केबिन के अंदर ही छिपा हुआ है। इस वजह से मैं बैठ कर जा रहा था, मैं इनका बंदा अपने ऊपर गोलियाँ नहीं मार पाएगा, लेकिन साला बंदा बहुत ज़्यादा चंटोश यार था, केबिन के अंदर ही छिप गया। और केबिन की जो खिड़कियाँ थी ना, तो उनके अंदर से मेरे ऊपर गोलियाँ मार रहा था। अभी आप लोग क्या करते हैं, वापस चलते हैं मिल्टा के अंदर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो दोबारा से मिल्टा के अंदर बंदों का फायरिंग का साउंड आ रहा है, तो चलते हैं और इनको भी मार के आते हैं। शायद इधर की तरफ तो नहीं है, मशरूम टावर की तरफ तो नहीं है बंदे, ये जो घर है ना, तो घरों की तरफ ये बंदे, तो इनको ठोकते हैं सालों को, यहीं पर रोक देते हैं आप लोग अपनी बग्गी को। तो यहाँ पे आप लोगों ने पार्क कर दिया है। अभी इधर की तरफ है एक बंदा, तो ये आ रहा सामने की तरफ से और इसको आप लोगों ने टोक दिया है। अभी तो शायद मिल्टा के अंदर ये एक ही बंदा था जिसको आप लोगों ने मार दिया है। और फिलहाल मेरे को फायरिंग का साउंड आ रहा है कद्दू के अंदर से, वापस कद्दू के अंदर चलते हैं और इनको भी पुरस्कार दे के आते हैं। और भाई ये जो बंदा है ना जिसका मेरे को फायरिंग का साउंड आ रहा है, तो ये बंदा कद्दू के अंदर नहीं है और ये थोड़ा कद्दू से बाहर की तरफ आ चुका है। आप लोग देख सकते हो कद्दू के घर जो होते हैं ना, तो उनसे बाहर की तरफ बग किया गया था ये बंदा, और तब मैंने इसकी छाती के ऊपर बग्गी चढ़ा करके जीवन लीला समाप्त कर दी। अभी सामने की तरफ से एक और बंदा बगा बगा जा रहा है। भाई ये बंदा शायद कद्दू के अंदर जा रहा था बगा बगा हाथ में गन लेकर, और तभी मैंने एक ही बार में इस बंदे को पेल दिया। अभी इस बंदे को मारने के बाद भाई किस्सा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ एक बंदा बग रहा है। ये जो मिल्टा के दो घर है ना, तो इधर की तरफ से ये जो बहुत सारे घर है ना मिल्टा के, तो उधर की तरफ बग रहा था ये बंदा, और तब मैंने इस बंदे की जीवन लीला समाप्त कर दी। अभी यहाँ पे एक और बंदा है और इस बंदे के मैंने पैर के ऊपर भाई ये बग्गी तो चढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद ये बंदा बच गया, तो मैंने कहा बेटे बग्गी से तो बच गया, अब गन से तेरे को कौन बचाएगा। और उसके बाद मैंने बंदे के धुएं निकाल दिए। आप लोग देख सकते हो बंदे की पेटी में से सतरंगी कलर निकल रहा है, जैसे गुलाल उड़ रही हो भाई सात कलरों वाली। अभी आप लोग क्या करते हैं, अपनी बग्गी को वापस उठाते हैं और चलते हैं और भी बंदों को पेलने के लिए। मैं इसकी पेटी को लूटने के लिए गया था कि अपने को AKM गन के एमओ मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो इस वजह से मैं वापस बग्गी के अंदर बैठ कर आ गया सीधा कद्दू के अंदर। अब जैसे ही मैं कद्दू के अंदर आया, तभी सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख गया और ये बंदा मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था। तब मैंने इसकी छाती के ऊपर बग्गी चढ़ाकर इसके जीवन लीला समाप्त कर दी। अब इस बंदे को मारने के बाद ये जो कद्दू है ना, कद्दू तो कद्दू के बाहर
की तरफ, जो मशरूम टावर है ना उधर की तरफ, तो उधर की तरफ से मेरे को एक और बंदे का फायरिंग का साउंड आ गया। तो मेरे कहा चलते हैं और इसका भी वध करते हैं। भाई ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको अपने को टपकाना पड़ेगा। रुक जा बेटे रुक जा। ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने इस बंदे को पेल दिया है और ये यही बंदा था शायद कद्दू के अंदर, तो जिसका आप लोगों ने वध कर दिया है। और अभी आप लोग देख सकते हो जोन को स्टार्ट होने में मात्र 1 मिनट और 50 सेकंड है, तो आप लोग 1 मिनट और 50 सेकंड तक और मार सकते हैं बंदों को। उसके बाद तो अपने को छोटे सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कद्दू के बंदों को तो पूरे बंदों को तो फिनिश ही कर दिया, और उसके बाद में चल पड़ा हगायों के बंदों का वध करने के लिए। और फिलहाल तो भाई मेरे को 2-3 बंदों का फायरिंग का साउंड आ रहा है, तो चलते हैं और इनको पेलते हैं। एक बंदा तो एक घर के अंदर घुसने वाला था, मतलब गृह प्रवेश करने वाला था, तभी आप लोगों ने एक ही बार में इसका लोटा बना दिया। अब इसको ये लोटे को हरिद्वार में बांधेंगे। अभी यहाँ पे एक और बंदा आ रहा था भाई पिराची के अंदर से, बंदा भगा भगा आ रहा था, और जैसे अपन लोगों ने इस बंदे की टक्कर मारी ना, तब इसकी जो गन थी ना तो वहीं के वहीं पे पड़ गई, मतलब वहीं के वहीं पे बंदे ने प्राण त्याग दिए। जैसे अपन लोगों ने इसकी छाती के ऊपर बग्घी चढ़ाई तभी, और यहाँ पे एक और बंदा आ गया था और इस बंदे के पास थे AKM गन, और फिलहाल अपन लोगों ने बंदे को टपका दिया है। और बंदे के पास AKM गन थी ना, तो इस वजह से भाई इसने अपने ऊपर थोड़ा डैमेज भी मार दिया था। और फिलहाल अपन लोगों ने हील वील कर लिया है। अभी लोग जल्दी से अपनी बग्गी उठाते हैं और चलते हैं सीधा इधर झोंपड़ियां है ना, तो उधर की तरफ एक और बंदा है, तो उसको टपकाने के लिए फिलहाल तो मेरे को यही बंदा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप लोग चलेंगे छोटे सर्कल के अंदर। सबसे पहले तो ये जो झोंपड़ी वाला बंदा है तो इसको मार के आते हैं। फिलहाल बंदा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद झोंपड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। अच्छा ये रहा बंदा, ये रहा, दिख गया मेरे को, दिख गया। अभी आप लोग उतर चुके हैं बग्घी से नीचे की तरफ, लेकिन हवा में लटक रहे थे आप लोग। और अभी अपने हाथों से एक बंदे का वध हो चुका है। अब इस बंदे को मारने के बाद भाई एक और बंदा आ गया कच्चे में अपने से युद्ध लड़ने के लिए, और फिलहाल आप लोगों ने बंदे की जीवन लीला समाप्त कर दी है। अब इस बंदे को मारने के बाद सामने की तरफ से एक और बंदा आ गया भाई, बंदों की बिल्कुल ही सोची समझी स्ट्रेटजी अपने को मारने की, लेकिन सारी स्ट्रेटजी आप लोगों ने फेल कर दी। और फिलहाल आप लोग यहाँ पे हील कर लेते हैं। और उसके साथ ही भाई मैं यहाँ पे सोच के आया था कि झोंपड़ियों के अंदर तो भाई अपने को एक बंदा मिलेगा, लेकिन भाई एक बंदा नहीं मिला, अपने को यहाँ पे पूरे 3 किल मिले हैं, और बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है। अभी आप लोग जल्दी से अपनी बग्गी को लेकर चलते हैं छोटे सर्कल के अंदर, क्योंकि आप लोग देख सकते हो भाई जोन स्टार्ट हो चुका है और जोन अपने को थोड़ी देर में घेरने वाला है। ऑल राइट गाइस, जोन ने अपने को चारों तरफ से घेर लिया है। और अभी आप लोग जल्दी से अपनी बग्गी को भगाते हुए चलते हैं सीधा छोटे सर्कल के अंदर। छोटे सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे ना तो भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि अपने को चिकन डिनर भी मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं अपने को चिकन डिनर मिल पाता है या फिर नहीं, या फिर जोन ही अपने को खा जाएगा। अब तो भाई अपने को कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि आप लोग देख सकते हो आप लोग आ चुके हैं छोटे सर्कल के अंदर। और भाई मैं जैसे छोटे सर्कल के अंदर आया तो अभी यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिखे, जिनके बीच में बहुत ही घमासान वाला युद्ध छिड़ रहा था, और एक बंदे ने दूसरे बंदे को टपका दिया। साला ये जो बंदा है तो मेरे को भी टपका देता, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने अपनी बग्घी के धुएं निकाल दिए। अब मैं नीचे की तरफ आ गया, और नीचे की तरफ से जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था तब मेरे को राजा जी दिख गए, और इनके प्राणों को मैंने हर लिया। और उसके साथ ही भाई अगर आप लोग थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरतते ना, जिसमें बंदा अपना सुअर बच देता, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस बंदे के पास हाई डैमेज वाली गन थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक वाली गन है। अगर 2-5 गोलियां मार देते ना हाई डैमेज वाली गन से, जिसमें बंदे का गेम ओवर हो जाता है। और फिलहाल आप लोग जल्दी से अपनी बग्घी उठाते हैं और चलते हैं वेलड के अंदर, क्योंकि भाई वेलेट के अंदर से मेरे को एक बंदे का फुटप्रिंट आ रहा है, और ये लास्ट वाला बंदा है जो कि ये जो वेरा उसे ना तो इसके अंदर छिपा हुआ है, तो इसको तो लोग देखना क्या ही गंदे तरीके से मारेंगे। अच्छा वो रहा ऊपर की तरफ, दिख गया मेरे को बंदा। भाई बंदा थोड़ा खतरनाक है, तो अपने को इसको आराम से मारना पड़ेगा। आ रहा है बंदा सामने की तरफ से। ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने इस बंदे के बेजे में पूरी AKM की गोलियां भर दी है, और फिलहाल अपने को मिल चुका है विनर चिकन डिनर। तो बस गाइस आज के इस गेम प्ले वीडियो के अंदर बस इतना ही, और उसके साथ ही भाई मैंने इस गेम प्ले वीडियो के अंदर 31 किल किए हैं। तो भाई ये जो गेम प्ले वीडियो है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और आप लोग जो भी लाइक नहीं करते ना भाई तो लाइक कर दिया करो। अगर आप लोग लाइक करते हो ना तो उससे मेरे को पता लगता है कि हाँ मेरी वीडियो बंदों को पसंद आ रही है, तो इस वजह से लाइक कर दिया करो। और मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।